खालसा महला पंजवा साई अलख अपार पूरी मनवस है दुख दर्द रोग माहे मेंढा हबनस है होमन्या कुर्बान साई अपनी होवे आनंद घना मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक बही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेद कतेब संसार हवा हूं बाहरा नानक का पातशाह दिसे जाहरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुस्वारी साध संगत इस पावन शब्द अंदर तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक जीव स्त्री दे रूप विच परमात्मा पति दे मिलाप दी गल बड़े खूबसूरत शब्दां विच कर रहे हैं, क्योंकि असी गृहस्थी लोक देखते हैं जो धी का रिश्ता मां नाल है या जिहड़ियां गल्लां धी मां नाल कर सकती है या करती है वो होर किसी रिश्तेदार जनानी नाल औरत नाल नहीं करती। प्रिंसिपल साहब ने बिल्कुल ठीक मां ही लिखी, पर कुछ टीकाकारा ने हे माता रूप उत्तम सखी कर दिता, गल फिर भी उठी जाती है। भाव जो अपने तो वड्डी होवे, जो साड़ी समस्या नू सुन के समझ सके या सानू मार्गदर्शन कर सके, तो इस शब्द के अंदर धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज साडे वर्गे जग्यासुआ नू मार्गदर्शन कर दें। हौ मन्या कुर्बान साई अपने, क्योंकि कथा विचार करदियां कह लो या बच्चियां नू विद्यार्थियों नू पढ़ाउंदियां कह लो पाठ बोध समागमां विच हिस्सा लैन करके ये गल चंगी तरह समझ में आई है कि गुरु बाणी अथाह समुंदर है। ये किनिया कबोलियां हैं, केड़े केड़े इलाके दियां बोलियां हैं, ये भी एक मुश्किल आती है, क्योंकि जिस इलाके दे शब्द नू बोलन दा सानू कदे तजर्बा नहीं होया उहदे विच सानू थोड़ी बहुती गलती लग जांदी। जिवें शब्द हौ है, वन्या है, साई है, तो इस नू उचारण करन वास्ते जरूर सीखना पैंदा। तो इस शब्द दी रहाओ दी पंक्ति विच धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी एक जग्यासु जीव स्त्री दे रूप विच ये कह रहे ने हे मेरी मां हौ वन्या कुर्बान। हुण इत्थे हौ दा उच्चारण बिंदे सहित हौ करना, जे हौ करांगे ते हौ दा मतलब हुंदा है किसे नूं डराउणा, हौ हौ नहीं, इहदा उच्चारण है हौ मैं वन्या
हुण जिहड़ा निन्या अखर है इहदे उचारण की भी जाच दास अक्सर कथा करदे आ संथा करवाउंदे आ दस दिंदे आ भी दोवें दंदां नूं पीच के अंदरों जीभ ला के बोलो निन्या हौ वन्या कुरबान। कुरबान किहदे तों जाया जांदा है? जिहड़ा बहुत प्यारा हो, जिवें मां नूं बच्चा बहुत प्यारा है, वो जदों मिलेगी मैं वारी वन्या, मैं कोहली वन्या, मैं कुरबान जावां। इस तरह जिहड़ी पत्नी है वो अपने पति तों कुरबान जांदी, जिहड़ी प्रेमण है वो अपने प्रेमी तों कुरबान जांदी। तो गल की उस अवस्था विच धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहिंदे हौ वन्या कुरबान साई अपने। हुण लिखिया साई है पर साई शब्द भी गुरबाणी विच आउंदा, जिहदा अर्थ है ओ साई घड़ी सुलखणी। इत्थे साई पढ़ना है, उत्थे साई पढ़ना। स्पैलिंग इको जे हन, रूप इको जे। साई का मतलब है ओ, साई का मतलब है खसम मालक। तो ये उचारण का पक्ष जड़ा ये मेहनत करन दे नाल, अंदर प्यार पैदा करन दे नाल समझ आ जाता। तो गुरु पातशाह कहिंदे हौ वन्या कुरबान साई अपने। मैं अपने साई मालक पति परमेश्वर तो कुरबान जा। होवै आनंद घना। हुण देखो इत्थे कई प्रेमी कहिंदे जी आनंद पढ़ो, नहीं, होवै आनंद घना। ठीक है जिथे नन्ने नूं टिप्पी है उत्थे आनंद पढ़ो, पर इत्थे होवै आनंद घना। नन्ना ते नासकी रहेगा ही, पर इहनूं पोला करके बोलना होवै आनंद घना। घना दा मतलब संघना, बहुता। आनंद बन जांदा है कदों मन तन जापणे। कई वारी असीं तन करके बाहरों ते वाहगुरू वाहगुरू करदे हां, पर मन किसरे होर रहिंदा। इसलिए जिथे भी याद की गल आई है मन ते तन दोवां नूं आखे सानू गुरबाणी तो ते गुरु इतिहास तो सिख्या लेनी चाहिए है। आनंद कदों बनता है? जदों मन करके तन करके उदा सिमरन करी। हौ वन्या कुरबान साई अपने, होवै आनंद घना मन तन जापने। जदों मन करके तन करके उदा सिमरन करिए मैनू घना बहुता आनंद आता। फिर समझ आती है साई अलख अपार। हुण इत्थे भी साई पढ़ना, साई नहीं पढ़ना। वो मेरा मालक वाहिगुरु अलख ना लिखिया जाण वाला, अपार जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। भोरी मन वसै। भोरी का मतलब है थोड़े जे समय लई, थोड़े जे समय लई भी जे मेरा साई मेरे मन विच बस जा। लोग घंटिया की गल करते ने, लोग माला की गल करते ने, इनिया माला फेर। ते कलगियां वाले पातशाह ने भी चौपे च कहा एक चित जे एक छिन त्यायो, एक चित जे एक छिन त्यायो। जिस भागा वाले मनुख ने एक चित होके एक छिन भी त्याया, काल फास के बीच न आयो। तो धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहने हे मेरी मां, साई अलख अपार भोरी मन वसै। थोड़े जे समय लिए रता कवि जदों मेरे मन विच वस जांदा, उहदा वसना उदी याद कितनी सुखदाई है। दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। दुख दर्द रोग, भावें ठीक है कि असी इन्हां तिन्नां नूं वख वख वर्ग,
पर गल कोई दर्द होगा दुख होगा उही दर्द जड़ा फिर रोग बन जाएगा। आख्या हे मेरी मां हब हूँ हब शब्द भी जड़ा है ये साड़ी आम बोली का नहीं ये लेंदी मुल्तानी बोली का शब्द हे मेरी मां ओ मेरा वाहिगुरु अकाल पुरख पति साई अलख अपार पूरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै मेंढा इनू मैडा नहीं कहना मेंढा मेरा हब सारा कुछ नस जन इसलिए हौ वन्या कुर्बान साई अपने होवै आनंद घना मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी बिंदक आम तौर ते थोड़े जे समय ले बिंदक थोड़े जे समय ले थोड़ी जितनी भी ओदी गल सच जिन्हां दा प्रेम हुंदा उते कुर्बान हो जांदा उते थोड़ी जी गल सुन के भी आंदे ने मेरा जी करदा मैं आपा कुर्बान कर दिया तुसी मैनू रब दी गल सुनाई तुसी मैनू मेरे प्यारे दी गल सुनाई जिहड़े सही अर्थां विच शरदालु ते प्रेमी हुंदे ने वह बहुत ही इस गल ते कुर्बान जांदे सचमुच इसे तरह जिस विजोगण नू उहदे प्यारे दी गल सुनाई जाए वह फिर कितनी आनंदित होंदी पातशाह कहिंदे बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस तणी उस सच्चे तणी मालक खसम दी गाल गल उहदा जिक्र उहदी चर्चा इसलिए पातशाह रोज प्रेरते ने आओ भैने गल मिला मेरी अंक सहेलड़ियां मिल कै करें कहानियां समर्थ कंतकियां आए मिल गुरसिख आए मिल आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी ये जरा सत्संगत करन दी दात पातशाह ने बख्शी इसे वास्ते क्योंकि बाणी भी जगह जगह ते लिखी जेड़े परमात्मा दी कीर्ति सुनदे ने करदे ने उन्हां नूं बड़ा आनंद प्राप्त हों जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावै नानक पूर्ण होवै आस बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी किन्ना सुख मिलता मैनू हे मेरी माँ मैं बयान नहीं कर सकता देखो विछोड़े विच दुख है मिलाप विच सुख है रोज पढ़ते आखां जीवा विसरै मर जाऊं हुण असीं पढ़ जाने पर जे कदे गुरु नानक पातशाह दे इन्हां बोलां नूं उन्हें प्यार विच भिज के पढ़िए फिर सानूं पता लगे तो पातशाह ने सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी हे मेरी माँ मेरे कोलों कीमत नहीं गिनी जा सकती भाव मैं इसका वर्णन करन दे समर्थ नहीं है कितना सुख मिलता है उदे सिमरन विच उदी याद विच सारी बाणी सानू एहो ही प्रेर रही भाई उदा सिमरन करो क्योंकि सानू ये समा ये जीवन कुछ समय नहीं मिले असी इहदी कीमत नहीं समझ भगत कबीर जी वर्गे महापुरख ते कहिंदे गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानुष जन्म का एही लाह अब ना पजस
पजस कब पाही, आवे अंत न पजया जाई, बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए न कीम गणी, नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक भई। ओ परमात्मा जेड़ा सब दे नैना नू पसंद है, जिसनू सारे ही देखना चाहते, मैं उसकी माड़ी जी झलक देख के पेख मुश्ताक भई। मुश्ताक दे अखरी अर्थ आशक, मोहित, खिंची जा। नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक भई, मैं उदी प्रेमण बन गई, मोहित हो गई, आशक हो गई। मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई, सिमरन करन वाले नू जदों सिमरन विच रस आउंदा, भाई साहब भाई वीर सिंह जी नू पुछ के वेखो, वह कहिंदे ने जदों फकीर सिमरन दे रस तों टुट जांदा उहदी हालत की हुंदी, जिवें मच्छी पानी तों बिना तड़फ जांदी, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਮਣੀ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक भई। हुण पेख दे खके नूं सियारी है, वेख के उहदी झलक तक के उहदे दर्शन करके मैं मुश्ताक भई, मोहित हो गई, आशक हो गई। पर वो बड़ा दयालु है, वो नहीं वेखता ना मैं रूप ना भंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਮਿਖਿਆਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ऐसे ही ऐसे तो बैत बतायो, साच कहूँ सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए रही। है मेरी माँ, है तो मैं निर्गुण सा, मेरे विच कोई निम्रता, कोई सहन शक्ति, कोई चंगे गुण नहीं सन, पर उन्हूं मेरे ते तरस आ गया, उसने मैनू लड़ ला लिया। लो चौथे पद विच नचोड़ कढ़िया, आख्या बेद कतेब संसार, हबा हूं बाहरा। हबा पहले हब शब्द आया, हूँ हबा आया। ये जितने धर्म ग्रंथ ने, असी किसी नू माड़ा या चंगा नहीं कहना, कहने का मतलब है कि इन्हां सारियां विच उसका वर्णन तो है, पर जिस जिस ढंग नाल ये कहिंदे नूं, कोई कह रहे है कहूं लख्यो हर अबाची दिशा में, काहू पछाहां को सीस नवायो, को भूतान को पूजत हैं पस, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। आख्या वो मेरा मालक बेद कतेब संसार, हबा हूं बाहर, वो इन्हां दी कैद विच नहीं है। जदों मक्के विच मुसलमान वीरां ने कट्ठे होके पुछया, बाबा नानक जी ये दसो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, ते बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई। उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू वड्डा या मुसलमान वड्डा, जे सिख उदों हुंदे ते महाराज सिखां दा भी कह दिंदे। कहने का मतलब
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਵਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰਾ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਾਸਾਰਾ, ਆਪੇ ਵਣਜ ਆਪ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਅਨਕ ਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪ ਹੀ ਤਰੰਗਾ, ਐਸੋ ਗਿਆਨ ਬਿਰਲੋ ਹੀ ਪਾਏ, ਜਤ ਜਤ ਜਾਈਏ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਆਪ ਹੀ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਵਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰਾ। ਆਓ ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਹੀਨ, ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਉ ਵੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ। ਆਓ ਜੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।